राजू बोल रहा हूँ। अर्चना मैडम, नहीं राजू का मेरा फोन है, पिछले हफ्ते बात हुई थी इस पे। नहीं सर जी, पता चक्कर गया है, शूटिंग वाले दिन सब स्पॉट पर बिजी होते ना, तो फोन उसके पास रख देते जो सबसे ज्यादा फ्री बैठा था। तो हाँ हाँ, क्या आपने 5 लाख देना उसका, अर्चना मैडम का? आपको गलत फहमी लग रही होगी, उनसे लेना होगा आपने। अरे पागल जैसी बात कर, फोन रख, पागल आदमी 5 लाख रुपया देना मैडम का, और मेरे फोन से जो फोन करती वो कहाँ किसी के 5 लाख देना होगा। पिछली बार इन्होंने मेरे फोन से बाहर फोन कर दिया, मेरे कहती लोकल फोन कर लूँ, मैं कर लो, इन्होंने लंदन लगा दिया फोन। मैंने कहा किसको फोन किया, कहती लंदन में गोरे से मैंने 50 रुपए लेने, तो मैं कहा अपने फोन से करो, कहती मेरा 250 बिल जा रहा था, मेरे को क्या बचता बीच में। सुहेल भाई आपको पता है पॉड बॉय को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपने तो खुद 2-3 फिल्मों में एज ए डायरेक्टर काम किया है, इतने मेहनती है सुहेल भाई। एक बार कैमरा मैन ट्रॉली लानी भूल गया, इन्होंने कैमरा मैन को ऐसे उठा लिया, कहते ले ले शॉट। वो कैमरा मैन कहता नहीं सर जी रहने दो, थक जाओ, कहते यार 3 दिन हो गए पहले थका हूं मैं। तो ऐसे होता रहता है, आपको तो पता है मैं वैनिटी साफ कर लूं, आर्टिस्ट आते ही होंगे। स्पॉट दादा। हेलो स्पॉट दादा। गुड मॉर्निंग मैडम, आप इतनी जल्दी जल्दी आ गई शूटिंग पे? हाँ सोचा जल्दी चली जाती हूँ तो स्क्रिप्ट की रिहर्सल हो जाएगी। रिहर्सल से कुछ नहीं होता, स्टेज पे भी अच्छा करना होता है। बकवास बंद करो, ये बताओ कपिल कहाँ है? मुंह पे कपिल भाई, कपिल भाई पीछे कपिल है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रिश्तेदार लगता है वो तुम्हारा? मेरे को क्या प्रॉब्लम, वो तो खुद आपको पीठ के पीछे नल्ली नल्ली बोलता है। नल्ली वो क्या होता है? नल्ली गुजराती में सबसे बुरी चीज को नल्ली बोलते हैं। नल्ली सबसे बुरी चीज है? हाँ। तो विपुल पागल, वो हमारे प्रोड्यूसर ऐसे नहीं बोलते, उनकी वजह से शो चल रहा है पता है। पर मैंने तो सुना था कृष्णा सुदेश और कपिल की वजह से शो चल रहा है। किसने झूठ बोला, कौन है सुरेश कृष्णा? ओहो चुप करो, मेरी बात सुनो, तुम सारे वैनिटी वैंस के अंदर जाते रहते हो, तो आज कृष्णा सुदेश का एक्ट कैसा है? 8-9 मिलेंगे देखना। मैं भी उनकी वैन के पास देखना, दोनों लड़ रहे थे, थप्पड़ मार रहे, थप्पड़ों की आवाजें आ रही थी। अरे वो रिहर्सल कर रहे होंगे। नहीं नहीं, रिहर्सल करनी होती तो सुदेश कृष्णा होते ना, लेकिन वैन में सुदेश और अर्चना थी, अर्चना थप्पड़ मार रही थी सुदेश को। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? उसने हरकत ही ऐसी की। क्या उन्होंने इसकी वैन में गए जाके 2 बादाम उठा के खा लिए। तो कृष्णा ने बचा लिया सुदेश को? कृष्णा क्या, वो तो खुद बेहोश पड़ा था, उसने 4 खाए थे। अर्चना ऐसी है, एक बादाम के लिए आर्टिस्ट को मारती है। ये तो कुछ भी नहीं, परसों पता है भारती ने अर्चना मैडम की लिपस्टिक लगा ली, फिर जो लड़ाई हुई, ओ माय गॉड, क्या बताऊं मैं आपको, फिर क्या हुआ, ये दाढ़ तो इन्होंने वैसे भी निकलवानी थी। हाँ हाँ समझ गई, मेरी स्क्रिप्ट की कॉपी लेके आओ, जाओ। स्क्रिप्ट को क्या करना मैडम, एक लाइन है, आपके हाथ पे लिख लो, बकवास बंद करो, ये बताओ आपको क्या लेना देना स्क्रिप्ट से। तुम स्पॉट हो, राइटर बनने की कोशिश मत करो। अब मैडम मैं राइटर हूँ, नहीं यकीन तो ये देखो थप्पड़ का निशान आर्टिस्टों ने मारे। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं साथ में स्पॉट बॉय बन जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं राइटर ही हूँ। स्पॉट के कपड़े क्यों पहने हुए? मैं तो अपने कपड़े पहन के आया था, जब मैंने कपिल को स्क्रिप्ट सुनाई तो उसने फिर मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मैंने स्पॉट दादा से लेके ये पहनी है। मैं दोनों काम कर लेता हूँ, स्पॉट बॉय भी ऐसे स्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं। कब से लिख रहे हो? मैं 6 साल से लिख रहा हूँ मैडम। वेरी गुड, क्या क्या लिखा है? 6 साल से मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, 4 पेज रहते हैं बस, एंड बाकी है। साले 6 पेज की तो स्क्रिप्ट होती है, वो भी ढंग से लिखती नहीं हो, तुम राइटर्स की वजह से हम आर्टिस्ट को कम नंबर मिलते हैं। और देखो मैडम मेरी बात सुनो एक मिनट, शोले फिल्म में अगर जैन वीरू सही डायलॉग नहीं ना बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सलीम जावेद अच्छे राइटर नहीं है। अच्छा तो तुम अपने आप को सलीम जावेद समझते हो? नहीं नहीं, मैं तो अपने आप को गुलजार साहब के लेवल का मानता हूँ। लिखते क्या हो? मैंने बड़ा कुछ लिखा मैडम, धर्मेंद्र की जितनी फिल्में ना उसमें सारे मुक्के नहीं होते, डिशुम डिशुम आप भिशुम, तू कोई बता, मैंने लिखे हैं तो वो सारे मैं लिखता हूँ। What rubbish? रबिश की बात नहीं मैडम, जितने भी मुक्के होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, उसके सारे लिरिक्स मेरे आवाज महेंद्र कपूर ने दी है, आपको पता है उस वजह से आज तक मेरे को रेडियो का काम बंद नहीं हो रहा, मेरे को रेडियो पास इतना काम आता है रेडियो का। तुम रेडियो के लिए भी लिखते हो? लिखता नहीं मैडम, मैं रेडियो ठीक कर लेता हूँ, ऐसे खोल के असेंबल कर लेता हूँ मैं। पिछली बार तो मैंने रेडियो इतनी जोर से कस दिया, कुमार शानू का गाना चल रहा था, पता नहीं पेचकस उसकी नाभि में लग गया और आवाज उसकी अलका याग्निक जैसी हो गई इतना। कैसे अजीब आदमी हो, कभी रेडियो ठीक करते हो, कभी तुम स्पॉट दादा बन जाते हो। तुम स्पॉट दादा बने कैसे बाय द वे? ये मैडम एक्चुअली बड़ी छोटी सी कहानी है, एक बार हमारे विपुल सर ने प्रोड्यूसर हमारे इधर आए सेट पे, स्पॉट दादा कहते स्पॉट दादा चाहे, स्पॉट दादा लेट हो गया उससे पहले मैं भाग के ले आया, मेरे कहते तेरी स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं आती, तेरी चाय टाइम पे आएगी तो स्पॉट बॉय बन जा। तो मैंने कहा सर जी एक मिनट, मैंने कहा हमने 10 पेज की स्क्रिप्ट लिखनी होती है ना, हमें तो टाइम लगने लगना, आपने चेक पे इतने से साइन करने उसमें आपको 6-6 महीने लग जाते हैं, ये कोई पंच वंच कोई नहीं, इसलिए तो बता रहा हूँ, ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। आपको पता है ये हमारा दोस्त मेरा भाई सुरेंद्र, ये बेचारा चेक लेने गया उसके पास विपुल के पास, उसको पागल बना दिया, कहते क्या चेक चेक लगा रखी, चेक का जमाना गया, स्ट्राइप्स चलती हैं आजकल, ये भी सुन के वापस आ गया। तुम्हारी अगर ये बेवकूफी वाली बातें अगर खत्म हो गई तो बताओ स्क्रिप्ट कहाँ है, कपिल कहाँ है? कपिल नहीं आएगा। क्यों? उसको सोहेल भाई की फिल्म मिल गई।
फाइनली हाँ सोहेल भाई ने थैंक्स भी किया उसको हा? कहते यार मेरे को तो मिल नहीं रही थी प्यार के डरना के सीढ़ी तूने कहाँ से ढूंढ निकाली वो कहते सर जी जब सारे घर की सफाई मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगी आपको थोड़ी ना मिलेगी कपिल को फोन करो वो नहीं आएगा तो रिहर्सल कैसे करूंगी रिहर्सल मैं करूंगा मैडम आप कुछ में क्या अच्छा तुम करवाओगे राइटर्स को क्या पता परफॉर्मेंस के बारे में ओ मैडम क्या बात कर रही हैं मैं परफॉर्मर भी रहा हूँ आपने वो फिल्म देखी एजेंट विनोद हाँ तो हाँ तुमने तो देखी होगी तेरे जैसे 5-6 क्रिएटिव लोगों ने बनाई वो और दो चार लोगों ने देखी है इनफ क्या अच्छा एक बात सुनो इसके पहले कि कपिल आए स्क्रिप्ट में मेरे पंचेस बढ़ाओ और कपिल के कम कर दो पंचेस क्या बढ़ाओ पंचेस है नहीं वो आके खुद डालता है अपनी स्क्रिप्ट में देखो मैंने थोड़ी सी बनाई आप सुन तो ले एक मिनट स्क्रिप्ट मैं आपको बताता हूँ ये देखिए कपिल एंटर्स ऑन स्टेज एज ए हैंडसम गाय ऑन अर्थ शुमोना मुझे माफ कर दो मैं बिना डिस्कस किए तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई कपिल मैं कपिल हूँ कृष्णा नहीं ये स्क्रिप्ट है इतनी बकवास स्क्रिप्ट हंसी नहीं आई मुझे मैडम हंसी नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि सलीम जावेद अच्छे राइटर नहीं ये क्या मतलब हुआ अरे सलीम जावेद जी का इससे क्या लेना देना उनसे लेना देना लेकिन उनके बेटे बैठे हुए पापा की तरफ करेंगे थोड़े से 2-4 नंबर ज्यादा मिलेंगे और अगर उसके बाद भी हंसी नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं हम आर्टिस्ट बुरे हैं है ना बाकी देखते हैं क्या देते हैं हमें अर्चना मैंने फिर से दुकान खोल ली कौन सी? लेकिन इस बार ये जरूर चलेगी ये देखो सुहेल भाई मैंने इसके पहले बड़े बड़े पापड़ बेले मैं क्या बताऊं आपको मैंने मर्सिडीज के शोरूम में भी काम किया है मैंने एक बार तो एक ऐसा काम किया मैंने 10 मिनट में 15 मर्सिडीज भेज दी लेकिन मैनेजर ने साले ने मेरे को फिर भी निकाल दिया कहते साले मेरा पेट खराब हुआ मैं 5 मिनट बाथरूम क्या 5,000 की मर्सिडीज भेज दी फिर मैंने सोचा दुकान खोल लूं फिर मैंने दुकान खोली लेकिन आधे घंटे में पकड़ा गया पुलिस बड़ी तेज फिर जब मैं जेल से छूटा फिर मैंने सोचा अपनी दुकान खोलता हूँ अब मैंने अपनी दुकान खोली है कोई माइकल आलम मेरे को हटा नहीं सकता इधर हर तरह की चीजें मेरे पास वॉशिंग मशीन गर्मी में जितना भी सामान आता है पर लेकिन ग्राहक बड़े अजीब अजीब आते कभी कभी एक बार मेरा भाई आया मेरे पास मेरे को कहता पाजी वॉशिंग मशीन क्यों लेते लोग मैंने कहा यार इजी होता है कपड़े धोना आपने एक चम्मच पाउडर डाला कपड़े डाले पानी डालो करके अगले दिन देखा मेरा फॉर्मेट चोरी कर लिया मुंह में एक चम्मच पानी डाल के ना एक चम्मच वॉशिंग पाउडर कपड़े ऐसे थे फिर बाद में इसने कपड़े निकाले निचोड़ा फिर डाल के कर रहा मैं कहा ये क्या कहता पाजी ड्रायर भी तो होता है और आप क्या हंस रही हैं क्यों ना हंसूं आपकी बात बताऊं मैं बता दे मैंने कल पिज्जा लेके आया मैंने कहा खाई जस्ट है दाल चावल थोड़ा सा ले लूंगी जब थोड़ा सा लिया ना ऐसे करके अब मैं कहा इसको थोड़ा सा लूंगी नहीं इसको कह रहे थोड़ा सा छोड़ूंगी ओके नाउ स्टैंड अप इज इनफ Now Shumona enters with little legs and long lips. Shumona enters. little legs and long lips. Welcome madam. क्या लेंगी आप? देखिए मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे गर्मियों के लिए सामान लेना है AC, cooler, everything. मुझे अपना घर ठंडा रखना है. ठंडा ना रखिए नई नई शादी हुई घर का माहौल गर्म रखे. Actually ना वैसे भी मेरे पास एक ही AC है AC बिक गया मेरा कल ही जैकी श्रॉफ साहब ले गए लेकिन मेरे को पता चला वो यूज नहीं करते आप कहते तो मैं उठा लाता उनके वहां से एक मिनट वो यूज क्यों नहीं करते पता नहीं मेरे को कह रहे थे जोड़ों की प्रॉब्लम है जोड़ों में दर्द रहता है तो मैंने कहा तेल यूज करो कहते उसी से तो हुआ है मैंने कहा ये दर्द उससे नहीं हुआ दर्द इस बात का ऐड आपसे लेके गोविंदा को दे दी इसलिए अच्छा सुनिए ना हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है देखा होगा आप भी ऐसा काम करें लोग आपको भी देखा करें देखा है आपको देखो बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई सामान है कि मैं जाऊं ये है ना मेरे पास ये देखिए ये ले लीजिए चाइनीज पंखा ले लीजिए आप चाइनीज और इसमें लिखा है मेड इन नेपाल आप होट ऐसे करके पढ़ रही आंखें ऐसे करके पढ़े ये नेपाल है देने को तो मैं आपको ये पंखा भी दे देता लेकिन ये अभी न्यू बॉर्न बेबी 2 महीने का दे नहीं सकता मैं आप ले लीजिए देखो प्लीज मुझे एक ऐसा पंखा चाहिए जिसे देख के मन को शांति मिले जिसमें श्लोक वगैरह लिखे हो श्लोक टाइप श्लोक लेके तेरा पंखा चलेगा तो कैसे पड़ेगी तू अरे फीलिंग तो आएगी ना ठीक है फिर आप 2 दिन रुको अभी मंदिर में नवरात्रे चल रहे हैं रश ज्यादा है जिस दिन रश कम है उतार के ले आऊंगा सीधा तुम चोरी भी करते हो नहीं चोरी क्या भगवान के घर की सब कुछ भगवान का दिया हुआ है चोरी वाली कौन सी बात है और मैं रोज नहीं करता हूँ कभी कभी ग्राहक नहीं आते तो कभी कभी तो भीख भी मांगनी पड़ती तुम भीख भी मांगते हो नहीं अब नहीं मांगता मार्जिन नहीं है अब सुबह से शाम तक खड़े रहो इतनी धूप में स्किन काली हो जाती है
200-250 रुपया नहीं बचता और शाम को 1500 रुपये फेशियल में लग जाता है। अब सबकी किस्मत ऐसी थोड़ी ना कि एसी में बैठ के बिना कुछ किए पैसे वैसे कमाओ। तू क्या ताली बजा रही, तेरी बात कर रहा हूँ। उनको तो फिर भी सोचना पड़ता है कुछ ना कुछ कि झूठ कैसे बोलने कि तुम्हारा एक्ट अच्छा था। तू क्या करती है? हेलो जीजी, सो एक्ट कैसा लगा? अगर तू नहीं पूछा कि वो क्या बताएंगे नहीं कैसा लगा। मेरे को तो समझ नहीं आता इसको रखा क्यों हुआ है। मैं तो कहता हूँ जो 150 रुपए इसको देते हैं वही इसको आमलेट खिलाया करें, एनर्जी रहे एक्ट में। अपनी बकवास बंद करो, नहीं चाहिए तुम्हारा पंखा वंखा। अरे आप तो गुस्सा ही कर गई मैडम, गुस्सा ना करें मैं थप्पड़ मारूंगा आपके। गुस्सा नहीं करना, तुम्हारे पास ठंडे कपड़े हैं? ठंडे कपड़े क्या करने हैं आपको? देखो मैडम इधर आओ, ठंडे कपड़े नहीं लो, मैं तो कहता हूँ आप कंबल ले जाएं थोक में, आपकी एक एक लाइन के ऊपर कंबल लपेट के भेजा करें, थोड़ा गर्मी रहे डायलॉग में। जी एक ठंडे पानी का बोतल, ठंडे पानी की बोतल लीजिए, जितनी मर्जी लीजिए, ये लीजिए मैडम, लाइए 2 लाख रुपया। 2 लाख किसके लिए? अरे पैकेज है मैडम, बोतल के साथ आपको गाड़ी फ्री मिलेगी, 4 लोग बैठ के घर जा सकते हैं आप। दिमाग खराब है, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ बोतल चाहिए था। ए, तेरा दिमाग खराब है, बोतल पे 4 लोग बैठ के कैसे जाओगे, पागल बनाती मेरे को। हे भगवान तुम कैसी बातें करते हो, मन करता है सुसाइड कर लूं। सुसाइड करना है? चूहे मारने वाली दवाई में इंटरेस्ट रखती हैं आप? Have you lost it? Lost it नहीं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। Shut up! अच्छा मच्छर मारने वाली दवाई चाहिए? वही दे दो, वैसे भी गर्मियों में मच्छर ही तो काटते हैं। ये लीजिए आप मच्छर वाली दवाई। मच्छर को सुबह शाम खाने के बाद 1-1 चम्मच देना है। 1 सेकंड, मुझे कैसे पता मच्छर ने खाना खा लिया है? इसमें क्या, जब मच्छर डकार मारेगा समझो डिनर हो गया। अब लीजिए। मैं मच्छर पकड़ूंगी कैसे? मच्छर आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, मच्छर हमने पकड़े हुए ऑलरेडी, ये देखिए। आपको सिर्फ दवाई पिलानी है। मैं मच्छर को दवाई कैसे पिलाऊंगी? अरे आप सारे इंतजाम है, ये देखिए राजीव ठाकुर के जोक्स, इसमें से आपको चुटकुला पढ़ के सुनाना है, जैसे एक ही सुनाएंगे मच्छर ऐसे करेगा। आपको भटक से बूंद डाल देनी है, कभी कभी जो 3-4 चुटकुले साथ में सुना दो ना तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। हे भगवान प्लीज मुझे ऐसी चीज दे दो जो फायदेमंद हो, ठंडी और बजट में फिट हो। एक तो लड़कियां बार्गेनिंग, ये ककड़ी ले जाओ फिर 5 रुपए की, 2 बड़ी फायदेमंद चीज है। मुझे ककड़ी वकड़ी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? छाता दिखाओ। छाता? हाँ छाता दिखाओ। छाता? ये छाता ले जाइए मैडम। ये छाता है, शैंपेन की बॉटल दिखा रहे हो? नहीं नहीं अभी लिखा तो हमने छाता तो नहीं दिया उन्होंने, छाते ही समझे आप। दो फायदे इसके, देखिए जब आप धूप में निकलेंगी आपको गर्मी से बचाएगा, दूसरी बात इनके अपनी बिल्डिंग में आग लग गई तो आप उसको लेके कूद सकती हैं, पैराशूट आपको 5-6 मिनट में उतारता है, ये पटक से गुब्बारा पटक करके फूटेगा आपका। तुम्हारा दिमाग खराब है, छाते के साथ कूदूंगी तो मर नहीं जाऊंगी, ये कैसा फायदा हुआ? आपका फायदा नहीं लेकिन शो को तो फायदा है, वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है। देखो बुजुर्गों ने कहा है अगर एक आदमी के बलिदान से पूरे संसार को सर्वोच्च मन प्राप्ति मिलती है तो कर देना चाहिए काम। तुम्हारी ये घटिया दुकान में कब से क्या मांग रही हो, तुम क्या बोल रहे हो? घटिया नहीं बोलना इसको, घटिया बोल रही मेरी दुकान को। मेरे फूफा जी ने जब ये दुकान खोली थी ना, अर्चना पूरन सिंह से रिबन कटवाया था, तेरे को क्या पता? अर्चना जी ने रिबन काटा था? हाँ, पहले तो कट नहीं रहा था, कैंची नहीं मिल रही थी, फिर हमने थोड़ी सी सॉस लगाई, ऐसा मुंह में डाल के काटा ना, एक बूंद नहीं बची रिबन की। तो तुम्हारी फूफा भी यही काम करते हैं? ए, फूफा जी बोल। आम बंदा नहीं था कोई, बहुत बड़े मुक्केबाज थे, 1 मिनट में 150 मुक्के खा लेते थे वो। हाँ इतने बड़े मुक्केबाज थे, लोग तो उनको मुकेश मुकेश बोले थे। एक्चुअली मुक्के खा खा के उनका मुंह मुक्के जैसा हो गया था ना। मुक्के जैसा यानी श्रुति जैसा? मुक्का मुक्का पैर की एड़ी नहीं, मुक्का। वैसे मेरे बारे में सब पता कर लिया, अपने बारे में नहीं बताया, क्या करती हैं आप? मैं कॉमेडी सर्कस में काम करती हूँ। कॉमेडी सर्कस में? मैंने नहीं देखा, कभी किसके साथ आती हैं? कपिल शर्मा। तभी आपकी तरफ ध्यान नहीं गया मेरा कभी। मेरे को ये क्या चल के आ रही तू, ऐसे हक कर लेंगे मेरे को तू ऐसे? देखो बड़ी खुशी हुई मेरे को जान के। मेरे को एक बात बताए, आप कॉमेडी सर्कस में काम करती है ना, तो मेरे कजन की शादी है, कॉमेडियन कोई सजेस्ट करे अच्छा था मेरे को? हाँ हाँ क्यों नहीं, राजीव ठाकुर को ले लो। नहीं वेटर हमने कर लिया, हमें कॉमेडियन चाहिए। भारती को ले लो। देखिए डोली के लिए लड़की वालों ने खुद ही बड़ी गाड़ी की, वो लिमोजिन होती ना,
अभी वो हाथी घोड़ा के ऊपर लेके आना वो रिवाज गया, होनी चाहिए। ओके हाँ, तो मेरे आप प्रधानमंत्री को जानती? उन्हें भी शादी में बुलाना है? नहीं नहीं, उनको की शादी में बुलाना, वो हमारे रिश्तेदार है। तो मैंने उसे कानून पास करवाना है कि जब भी कोई स्टेज पे कॉमेडी करने आए ना, उसका पहले टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उसका सीरियल चल रहा है आ जाए वो, तो टेस्ट होना चाहिए। कैसा टेस्ट? अरे आपका टेस्ट थोड़ी, आप अपने बात उधर लाइट नहीं इधर मर, आपका थोड़ी टेस्ट लेना, आपको तो गोली मरवाएंगे सीधी। हम गोली मरवाने के बाद भी फांसी बचना जाए कहीं आप। बड़ी आई ओवर एक्टिंग कर रही इधर। देखो तू बहुत ज्यादा बोल, मेरे पापा कमिश्नर है, अभी नंबर लगाती हूँ मैं। कायगा कमिश्नर तेरा बाप, जिसने दहेज में एसी नहीं दिया, इधर घूम रही है रेडी वाले के पास। कायगा कमिश्नर तेरा बाप है, और जा जिसको मर्जी नंबर लगा, तू मेरे को नंबर की परवाह नहीं है, और मैं नंबर लेता भी नहीं हूँ, मेरे को वैसे ही फिल्म मिल गई है, और मैं लेडीज से मिलता ही नहीं हूँ, ओनली लव डायरेक्टर्स। फिल्म मिल गई मेरे को, जा ले नंबर तेरे को, आई डोंट केयर, मेरे को फिल्म मिल गई, तू ले नंबर जा। ओवरकम, मैं नहीं आऊंगी, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है, तुम ही मांग लो पॉइंट्स, ले लो चले जाओ। चल शुभना, अगले सीन में एंकरिंग में इधर मांगो मांगो। योर कमेंट्स प्लीज, वंडरफुल कमेंट्स फॉर अस। अपोलॉजी के साथ मांग रही है। आई कांट बिलीव यू आर गोना आंसर देम विदाउट मी आस्किंग। ओके प्लीज श्रुति, प्लीज कम बैक, वी मिस यू टू मच, प्लीज विदाउट यू द शो कांट गो ऑन, तुम्हारे बिना ये शो चल ही नहीं सकता। आई एम साउंडिंग लाइक विपुल, मैं विपुल की तरह साउंड कर रही हूं, कुछ झूठ बुलवा रही है। मैं ये नहीं कहता कि कॉमेडी मत करना, पर किसी डेली सोप वाली को साथ मत रखना। ओए लोलो बेबी, लोलो बेबी आई यहाँ, लोलो बेबी, लोलो बेबी आई यहाँ, सर्कस देखने, सर्कस देखने, ओ बेबी खुल के हंसना, शर्म ना करना, अर्चू चाहे चीखे तुम बिल्कुल ना डरना, लोलो बेबी, लोलो बेबी आई यहाँ, सर्कस देखने, सर्कस देखने। मैंने सुना है लोलो बेबी आई है। हाँ जी आई है। कहाँ है ये? यहाँ, यहाँ नहीं। किधर? इधर है। ये यहाँ, इस तरफ। अच्छा, इस तरफ है। मेरे को पहले ही शक हो रहा था, इधर हो भी नहीं सकती, इतना गंदा परफ्यूम, ओह माय गॉड। मेरे को पहले ही पता था इतना गंदा परफ्यूम करिश्मा का हो ही नहीं सकता। यहाँ लगा के बैठी बार कुत्तों को उल्टियां हो रही है। ओह गॉड, एक तो दिखता भी नहीं, ये काला चश्मा उतार लूं। ओह गॉड, इससे दिख रहा है अभी। हेलो करिश्मा, पहचाना? नहीं ना, आने तो मेरी शेर खान, फिर देखूंगा मैं। फेल भाई शेर खान इटे, मेरे को कोई परवाह नहीं, कोई पहचाने ना पहचाने। वैसे आपको पता है मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपकी पहली फिल्म से, प्रेम कैदी से, मतलब आप दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया, आपने और आपके साथ वो को एक्ट्रेस थी ना हरीश, दोनों ने माइंड ब्लोइंग काम किया उसमें, इतना जस्ट यू नो, आपकी सारी फैमिली का मैं फैन हूँ, पूरी फैमिली का, मतलब कितने अच्छे नाम है आपके, लोलो, छोटी का बेबो, हाउ स्वीट। ये आप ही को सूट करते पता है, फेयर कम्प्लेक्शन, गोरा रंग, जूसी चीक्स। अब इसका नाम लोलो रख दो तो लोगों को लगे चिढ़ा रहा है, लोलो हट। खैर मैं इधर, मेरा नाम आपने बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम सुना होगा, छोटे गुलाम अली साहब का नहीं सुना? और बहुत छोटे गुलाम अली साहब का? मैं बहुत छोटा गुलाम अली, अभी नहीं सुना, कोई बात नहीं, आने तो मेरी शेर खान, फिर बात करूंगा मैं। शेर खान ईटे भाई। खैर मैं यहाँ पे गरीब बच्चों को म्यूजिक सिखा रहा हूँ, 15 साल से नहीं 15 साल, 4 दिन से। बस स्टूडेंट आते रहते हैं, सिखाते रहते हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी, यस किधर आइए। सबसे छोटे गुलाम अली जी का संगीत विद्यालय यही है। ये क्या तमिल में लिखा है? मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाया ये। अपने हाथों से खुद? या ओह माय गॉड, संगीत के प्रति इतना लगाव? नहीं नहीं, संगीत करी थी, मुझे भी लगाव नहीं, मजदूर थे वो। क्या? या मजदूर थे, मजदूर। तो ये विद्यालय आपका कैसे हुआ? मेरा, मैंने कब कहा मेरा है?
मेरा, मैंने कब कहा मेरा, मैं तो ड्रम इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पे, ड्रम इंस्ट्रक्टर। Oh my God, मतलब आप ड्रम्स भी बजाते हैं? नहीं, ड्रम नहीं बजाता, छत पे जितने ड्रम पड़े उनमें पानी भरता हूँ मैं, मेरा कोई वैसा काम नहीं है। तो फिर संगीत कौन सिखाता है? Myself, मैं सिखाता हूँ। अभी तो आपने कहा कि आप पानी के ड्रम्स भरते हैं, तो उसमें क्या, अब ये बप्पी अदनान साहब बड़े बड़े ड्रम लेके घूमते हैं, हम लोग ड्रम में पानी भी नहीं भर सकते, ये क्या मतलब हुआ? तुम बताओ कौन, क्या नाम है तुम्हारा? मैं शिमोना हूँ और मुझे संगीत सीखना है। संगीत सीखना है, देखो अगर कुछ सीखना चाहती हो तो कॉमेडी से शुरुआत करो। जी कुछ नहीं, आप कॉमेडी वैसे अच्छा कर लेते, जज मत बनो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। तो मैं एक बार लाओ, थोड़ा बहुत गा लेती कि नहीं वैसे? जी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, सुना, हाँ सुनाइए सुनाइए। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। एक मिनट, ये जो साथ में जलेबियां निकाल रही हो इससे क्या परदेसी रुक जाएगा? परदेसी रुकेगा बिल्कुल नहीं, परदेसी जाएगा जाएगा, उल्टा चार थप्पड़ मार के जाएगा तुम्हारे। क्या एक गाना गा रही थी, ऐसे नहीं गाना गाया जाता। देखो संगीत के कुछ रूल होते हैं, पहला रूल सुर पक्के लगने चाहिए, सारे गामा पादा नी सा, ऐसे। अरे लेकिन आपके खुद के सुर नहीं लग रहे ठीक से। दूसरा रूल सुनो, उस्ताद से कभी बहस नहीं करनी, थप्पड़ मारेगा नहीं तो। जब भी उस्ताद का नाम लेना है ऐसे कानों को हाथ लगाने हैं। ऐसा क्यों? कुछ नहीं, ऐसे आपको ध्यान रहता कान के बूंदे कहीं गिर तो नहीं गए, कुछ खास नहीं है। एक काम करो, इधर ले गया हूं हारमोनियम लेके आओ जरा। What is this? मैंने हारमोनियम कहा था। हारमोनियम ही तो है। ये हारमोनियम है? हाँ। तो वो उसको क्या कहते हैं? अरे वो बांसुरी होती है। अच्छा बांसुरी आती है, चलो हमें क्या लेना देना, हम ठहरे म्यूजिक डायरेक्टर, हमको ढोलक बजाने वाले थोड़ी है। अर्चना तुम भी सीख लो, इसको हारमोनियम कहते हैं। थैंक यू। रोज पूछती रहती है तुझे खाने के, मैं खा लूं पेस्ट्री। खाने पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप किस तरह का गाना सीखना चाहती हैं? सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग बड़ा इजी है। आइए बैठिए, आइए, आप बैठ नहीं सकती मेरे ख्याल से, इधर आइए, आगे ढोलक रख लेते हैं, आप बैठ जाइए आराम से। देखो बैठ जाओ, आ जाओ। देखिए सैड सॉन्ग के लिए सबसे पहले शक्ल सैड बनानी होती है ऐसे। आपको नहीं बनानी, आपकी तो कुदरती भगवान की कृपा है, आपने सिर्फ स्माइल देनी है। सेकेंडली आवाज में दर्द होना चाहिए। लेकिन मेरी आवाज में बिल्कुल दर्द नहीं है। नो प्रॉब्लम, जब भी गाना शुरू करो अपनी उंगली दरवाजे में दे दो, दर्द आ जाएगा। और दरवाजा ना हुआ तो? तो कहीं पे भी दे देना, यहाँ पे उंगली मत कर, आराम से सुन अभी। किस तरह का गाना सीखना है? अब सिखाइए ना, मैं गा लूंगी, आप कुछ भी। ठीक है, मैं तुम्हें सबसे आजकल का हिट गाना जो है वो सुनाता हूँ, ठीक है, जो आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। ओके, तेरा दे नारा, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, होए होए झूनाना 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 झूनाना, अब मैं जवा हो गई। अब देखो यही गाने का मूड होता है, इसी गाने को आप सैड बना सकते हैं, जैसे उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना अब लौंडिया जवान हो गई। So that's kind of। आप कितना अच्छा गाते हैं। वैसे ये गाना किसने गाया है? ये गाना मेरे को ऐसे उलाला ना, नाम नहीं याद, ऐसे गोल से है, काफी फैंसी सा बीन बैग है, काफी महंगे ऐसे टाइप। थोड़ा फ्रेंक हो जाइए, थोड़ा बगल में आ जाइए, आगे बगल में तो आइए, थोड़ा थोड़ा टची टची रहेंगे तो क्या होता है कि आप जल्दी सीखेंगी। क्या? थोड़ा टची हो जाएंगे तो जल्दी सीखेंगी। ओके, ये लड़की को तेरे लिए मैं चार लाइनें सुना रहा हूँ, इनके लिए जरा जोरदार ताली है मेरी पार्टनर के लिए। इसका एक बड़ा फायदा है, कहीं पे भूल के कहीं पे तीसरे चौथे पेज से शुरू कर दो, बीच में आ जाती वापिस। जस्ट लव यू फॉर दैट। इसके लिए चार लाइनर्स की हैं। हो किसने इसको मेरा, थोड़ा उधर हो जाओ, बाद में तुम कल पोगी, इधर हो जाओ। हो किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया, किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया, हो किसने इसको मेरा
पार्टनर बनाया, दिल करे मुंह तोड़ दूं, किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया। वो सारा चैनल का किया है धराया, जी करे मुंह तोड़ दूं, वो किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। लाइने भूले पंच खा जाए, फिर भी इसको शर्म न आए। अच्छा भला दस, वो अच्छा भला दस आठ बनाया, जी करे मुंह तोड़ दूं, ओ मैंने डायरेक्टर को लख समझाया, जी करे मुंह तोड़ दूं, ओ किसने इसको मेरा पार्टनर बनाया। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत प्यार दिया आपने, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अरे हेलो, या तो कुछ नहीं यार, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल कमेडी सर्कल में, लोगों को पता नहीं क्या बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं उनको, कि आपको पता है हमें 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिली। अरे हमें कौन सा 1 साल पहले मिलती है यार, हम लोग तो बनाते भी खुद है, इनको पता ही नहीं। हाँ। और सुनाओ, अरे इनका दो दो लोग खेलने वाले हैं, हमें तो कूड़ा दिया हुआ है। और सुनाइए, और वर्मा जी आप कह रहे थे आपकी छोटे बेटे के लिए लड़की चाहिए, हाँ क्या उम्र क्या है लड़के की? 92। अच्छा 1992 में पैदा हुआ है, मैंने तो लड़की भी देख ली थी, एंकरिंग कर दी थी। हाँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और भाई अर्चू, हाउ इज गोइंग ऑन योर मैरिड लाइफ? ऑल सेट? अभी झगड़े बड़े तो नहीं हो रहे? परमीत पे हाथ तो नहीं उठाती अभी ना? नहीं, मत उठाया करो, जवान पति पे हाथ दे अच्छा नहीं लगता। फिर क्या हुआ तुम्हारा कोट पैंट मांग लिया? तुम भी तो उसका कुर्ता पजामा पहन के जाती हो। सोहेल भाई मैंने अभी काम खोले, शो बंद हो ना चले, मेरे को कोई लेना देना नहीं, हम लोग रिश्ते विश्ते करवाते हैं साथ में, मैंने रिश्तेदार किराए पे भी देता हूँ, जैसे किसी की फूफा नहीं है, किसी की बुआ नहीं है, तो वैसे टाइप मामा नकली चाहिए हो रेंट पे, एक सही नहीं, एक तो डिस्टर्ब बड़ा करते। हेलो, यस, फूफी चाहिए किराए पे? अच्छा फूफी है, फूफा चाहिए, ऑर्डिनरी चाहिए, सेलिब्रिटी टाइप? शक्ति कपूर 1 लाख में आ जाएगा, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं देना शक्ति कपूर को तो आपकी बुआ साथ ले जाएगा वो। हाँ वो थोड़ा जॉली नेचर का है। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, और डन, थैंक यू। आ जाए एक्टिंग के चक्कर में, ब्रिंग दिस जल्दी यार। ये एड्रेस तो यही का बता है। हेलो हेलो ओल्ड लेडी, हाउ आर यू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या और ये एड्रेस ढूंढ रही हूँ, शादी ऑर्गेनाइजर्स वाले का है। ओह माय गॉड, ये तो मेरे दफ्तर का एड्रेस है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? चोर कहेगी तो बताए, इसी वजह से 6 दिन में दफ्तर नहीं आ पाया, चोरी करके ले जाता एड्रेस, पागल लोग। क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें अपने ऑफिस का एड्रेस नहीं पता? नहीं पता है, सारा कौन याद रखे, मेरे को थोड़ा सा याद रहता है कि कुतुब मीनार के पास है, लेकिन कुतुब मीनार कहाँ ये नहीं याद रहता। आइए आप, आइए आइए आइए, पानी पीजिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी वो मेरी बेटी के लिए मैं एक लड़का ढूंढ रही हूँ। अच्छा तुमने कहा होगा लड़के को, तभी छुप गया, वो क्या कहा था उसको? अरे मेरा कहने का मतलब है मेरी बेटी 26 साल की है, तो उसकी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रही हूँ। अच्छा उसके लिए लड़का, तो ऐसे बताइए ना आप, और सुनाइए लड़की के लिए लड़का चाहिए तो क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, थैंक यू। पीना वीना नहीं, लड़का ठंडा के गरम? मतलब ये जैसे 50 के ऊपर ऊपर वाले सारे ठंडे, 25-30 वाले गरम गरम, कभी कभी तो 70 के ऊपर जाके आदमी फिर गरम हो जाता है। और ठरकी? नहीं नहीं मुझे अपनी लड़की के लिए 27-28 साल का लड़का चाहिए। okay, देखिए हम ऐसे रिश्ते नहीं करवाते, आप लड़की की कुंडली लाइए। हाँ हाँ जरूर लाइए। कुंडली दिखाइए पहले, ये लीजिए। हाँ कुंडली दिखाइए, कुंडली तो क्या बिना कुंडली के फिर बाद में निकलता नहीं कुछ। ओह माय गॉड, ओके तो आपकी लड़की का नाम भारती है? जी भारती है। भारती, मैंने ना उसकी कुंडली काफी पंडितों को दिखाई, लेकिन सबने कहा कि मेरी बेटी के भाग्य में पति का सुख ही नहीं है। तो ये भाग्य तो पति का हुआ ना, उसमें कुछ लेना देना नहीं बेटी का। देखिए आप एक काम करें, एक मिनट पूरी कुंडली देख लूं। स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। ओह गॉड, आपकी बेटी तो ट्यूजडे है। ट्यूजडे मंगलिक, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे पास कुछ ट्यूजडे लड़के हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लड़की की फोटो लाइए। हाँ हाँ लाई हूँ। फोटो दिखाइए। ये आपकी बेटी है भारती। ओह गॉड, देखिए आपकी बेटी सिर्फ ट्यूजडे की नहीं है, थोड़ी भैंसी की भी है।
और इसको लड़का भी ट्यूजडे के साथ साथ थोड़ा संडे की चाहिए। देखिए देखिए प्रॉब्लम ये है, आपकी लड़की को एक नहीं दो लड़के लगेंगे, ठीक है। एक बात बताऊं आपको, ये पंडित ने झूठ बोला है, कोई मंगलिक मंगलिक नहीं है, इसके साइज का मिल नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये विस्फोट की जिम्मेदारी कौन लेता है? मतलब इसके डैडी कौन है? इसके डैडी नहीं रहे हैं? अच्छा आउट ऑफ टाउन? मेरा मतलब एक 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। अच्छा 4 साल पहले देहांत हो गया? ओह आई गॉड आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, होनी को कौन रोक सकता? अरे होनी मोनी मेरा क्या लगता था बुड्ढा। मेरे को क्या, मैं तो इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ, मैंने गलती से आपको मेरा जूठा पानी पिला दिया था। मेरे को क्या लेना था बुड्ढे से? आप देखिए मरे हुए आदमी के बारे में ऐसे बोलते हुए तो वो शर्म नहीं आती? क्यों शर्म, क्या शर्म तेरे पति को आनी चाहिए थी? घर में जवान बेटे की शादी नहीं हो रही, उसको मरने की पड़ी है। अरे बेवकूफ आदमी। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? अब तेरे पति को शर्म आनी चाहिए, मैंने कहा तेरी बेटी जवान शादी के लायक, उसको मरने की पड़ी है क्या? बकवास बंद करो। ये बता कि तुम्हारे पास कोई हैंडसम लड़का है या नहीं? एक है मेरे पास लड़का, बिल्लू है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बिजनेस उसका रिस्की है। तो क्या कभी कभी पैसे होते हैं, कभी कभी नहीं, बरसात के मौसम में तो थोड़ा रिस्की काम है उसका। ऐसा क्या करता है? कुछ नहीं, ऐसा भीख मांगता है, बिल्लू टुंडा। लड़का बड़ा प्यारा है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, गुस्सा आएगा भी चाह के भी हाथ नहीं उठा पाएगा। करना तो बोलो। मैं क्यों अपनी चाह जैसी बेटी की शादी कराऊं ऐसे लड़के से? मेरी बेटी की किस्मत कोई लड़का है या नहीं? अरे आप इसमें रोने वाली कौन सी बात है, रोने वाली कौन सी बात है? आप रो क्यों रही हैं? देखो रोटर ही शादी सबकी हो जाती, कोई आज तक रुका है? आपकी भी तो हुई ना, कैसे लहसुन के चार जैसा मुंह आपका, आपकी भी तो हुई शादी, इतने टेंशन लेने क्या जरूरत है? आपको शर्म नहीं आती विधवा औरत से मजाक कर रहे हैं? विधवा औरत? ये सफेद साड़ी पहन के कोई विधवा नहीं हो जाता? आईब्रो तो विद्या बालन जैसे कराए हुए। ऐसी विधवा औरतें होती है खुजराहों के मंदिरों में जाके ना जूम इन कर करके फोटो खींचती है, सब पता है मेरे को, तेरे जैसी औरतों का। देखो तुम्हारे पास कोई अच्छा लड़का है कि मैं जाऊं? एक काम करिए, आप अपनी बेटी की फोटो यहाँ पे रख जाइए, जैसे जैसे लड़के मना करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। नहीं मुझे अभी बताओ। अभी जाइए? हाँ। ओके ये लड़का चाहिए, सुदेश लहरी चलेगा। सुदेश लहरी कुंवारे? हाँ कुंवारे हैं। देखो तुम बेवकूफ मत बताओ, मुझे किसी ने बता दिया कि वो शादीशुदा है। अरे बाबा कुंवारे हैं कैसे बताऊं, नहीं यकीन तो उसकी बेटी से बात करा दूं तुम्हारी, अभी कॉलेज गई होगी, कुंवारे यार हद हो गई है। अच्छा सुनो राजीव ठाकुर चलेगा? ठाकुर कॉमेडी में नहीं चल रहा, मेरी बेटी के साथ खाक चलेगा। यही तू पॉज कम लेती ना, तेरे और लाफ्टर आता। हाँ। देखो एक काम करो, तुम अपनी लड़की की फोटो यहाँ पे रख जाओ, मैं संडे को आपके घर पे आके लड़कों के फोटो ले आऊंगा, जो आपको अच्छा लगे सिलेक्ट कर लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं संडे को नहीं, संडे को मैं अपनी सहेलियों के साथ गोवा जा रही हूँ, श्रुति के साथ और फरीदा जलाल के साथ, हम तीनों जा रहे हैं गोवा। अरे ये लो फर्दू का फोन आ गया। हाँ फर्दू, यस यस हम गोवा जा रहे, बिल्कुल जा रहे, ओनली गर्ल्स ट्रिप, नो 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 बॉयज अलाउड, तुम एके हंगल और अवतार गिल को मना कर दो, एब्सोल्युटली ओनली यस गर्ल्स ट्रिप। तुम क्या सुन रहे हो मेरी बातें, कोई लड़का बताओ। एक शर्त पे बताऊंगा। कैसी शर्त? मैं भी जाऊंगा गोवा तुम्हारे साथ। तुम पागल हो क्या? एक सेकंड, मेरे को पागल से मेरी थोड़ी हेल्प कराएंगे, एक सेकंड इधर आइए, जरा मेरे सामान फंसा हुआ निकलवा देंगे, जरा इधर एक सेकंड आइए, यहाँ से पकड़िए, मेरे सामान अटका पड़ा है, जल्दी आइए, एक्शन रिएक्शन में भी पॉज आ रहे तेरे। वो क्या हुआ, क्या हुआ? कब से खून खून चिल्ला रही, जो लाश पड़ी उसकी तरफ तेरा ध्यान नहीं जा रहा, खून खून खून, इसको कुछ नहीं हुआ ये, इसने मुझे कल पागल कहा था, मैंने दो तलवारें मारी, इधर 2 दिन हो गए मेरे से बात ही नहीं कर रहा, सुन मेरी बात, उठ के बता तो सही, तेरे को मेरी कोई बात बुरी लगी तो मेरे को बता तो सही, सुन तेरे नाक में तो मेरे को प्लीज नंबर दे दो, इसके पहले कि मैं वहां पहुंच जाऊं, प्लीज नंबर दे दो प्लीज। ए चल बे हट जा, बंद हो गया नाटक, बड़ा हो गया नाटक तू लोगों का, साला 3 साल हो गए पेमेंट नहीं बढ़ा रहे मेरी, आज या तो मेरी पेमेंट बढ़ेगी या ये शो छोड़ूंगा मैं एकदम, ये प्रोड्यूसर को फोन करता हूँ जरा मैं। हेलो आप प्रोड्यूसर विपुल शाह से बात कराओ मेरी, अबे बात कराओ बात कराओ, क्या बोल रहा है बार बार फोन, व्यस्ता है व्यस्त है। हेलो सर जी मैंने पेमेंट बढ़ाने के लिए कहा था, क्या बना उसका, पेमेंट बढ़ानी है कि नहीं? नहीं
तो फिर मैं लाचीली चाय मंगा सकता हूँ कि वो भी नहीं? ठीक है, आप लोग क्या दे रहे हो? आपके साथ नहीं ऐसा कभी होता? स्क्रिप्ट दे दी सालों ने, स्क्रिप्ट दे गया, क्या करूँ, इसमें है ही कुछ नहीं, 20 भगवानों के नाम लिखे हुए पहले, पंच एक भी नहीं, ऊपर से राइटर नाज कैसे लिखता अपना राय शंडिल्ली, चलो मेरा नाम लिखा ही नहीं, ऐसे नाम लिख के भेजते जैसे बड़े सलीम जावेद है ये लोग। आपको पूरी स्क्रिप्ट सुना दूं, अगर आपको एक बात पे भी हंसी आ जाए, अगर आप हंस दें तो मेरे को लगे ये जो आपने चांदी की दाढ़ लगवाई ना उसको दिखाने के चक्कर में हंस रही है। ये सुनो जरा, तब फिर स्टेज पे आता है, हेलो अर्चना, देख कितनी बार कहा आते ही अर्चना से हेलो हाय मत रखा करो मेरी, लोग पहले कितनी कितनी बातें करते हैं। अब परसों मुझे रंजीत मिले विलेन, मेरे कहते यार तू तो चल बच्चा है उसको अकल करनी चाहिए इतनी बड़ी है, मैंने फिर भी आपकी साइड ली, मैंने कहा क्या मतलब, 4 दिन ने हुए सीनियर सिटीजन का कार्ड बने हुए, क्या है मतलब, ऊपर से अपना वो सीनियर सिटीजन वाला कार्ड एटीएम में दे रही थी, कहती बुजुर्ग समझ के कुछ ना कुछ दे ही देगा। हेलो जी सोहेल भाई के ऑफिस से, जी जी मैं ही बोल रहा हूँ, अभी आऊँ, हाँ नहीं नहीं कोई बिजी नहीं, बस एक्ट चल रहा था, कोई बिजी नहीं, आ रहा हूँ अभी 2 मिनट में। हाँ जी ए निकुल गांडे चला तेरा बाप फिल्म करने मेरे को मिल गई फिल्म, ए चल भाड़ में गया तेरा कॉमेडी कर। ओ माय गॉड आज ऑफिस आती इतनी लेट हो गई, आई होप सोहेल सर मुझे डांटे नहीं, ऐसे वो क्यों मुझे डांटेंगे, मैं तो 1/2 घंटा लेट हूँ, उन्होंने तो अपनी पूरी फिल्म लेट कर दी है। ओ हेलो कहाँ घुसे चले आ रहे हो, कौन हो तुम? गुस्सा नहीं आ रहा, मैं शेर खान के लिए आया, सोहेल खान ने मेन रोल है मेरा उसमें, मेरे साथ वो लड़का भी है, क्या नाम है, सलमान खान। सलमान खान उस फिल्म के मेन हीरो हैं। Okay. तुम्हें स्पॉट बॉय के लिए बुलाया होगा। सिद्धार्थ ने कपिल नाम देख डायरी में लिखा होगा। मैं स्पॉट बॉय लगता हूँ। अब मसाज वाली रिसेप्शन पर रख ली, इसका मतलब ये नहीं आर्टिस्ट को स्पॉट बॉय का रोल देंगे। सोहेल भाई कहाँ है? वो मीटिंग में है। कहाँ है? मीटिंग में। देखो हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, मेरे को मत बनाओ, जगाओ उनको जाके, उनको बोलो श्री कपिल शर्मा आए। श्री कपिल शर्मा? यस। खुद ही अपने नाम के पहले श्री लगा लिया। श्रीदेव नहीं लगाती, भाग्यश्री नहीं लगाती बाद में, मैंने लगा ली तो क्या हो गया? सोहेल भाई को बुलाओ। रुको। हेलो सर, आपसे कोई कपिल नाम का कोई आदमी मिलने आया है? ओके ओके ओके, यस सर, आप प्लीज बैठ जाइए, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जी आपको पहले बताना चाहिए था, आपको पहले बताना चाहिए था कि आपको शेर खान में रोल मिला है। तो पहले मैं तेरे को अंडा कड़ी की रेसिपी बता रहा था, तेरे को बता रही मैंने, शेर खान में रोल मिला मेरे को, बड़े क्लोज रिलेशन है, बचपन से फिल्में देखता आ रहा हूँ उनकी। सॉरी सॉरी माफ कर दीजिए। अच्छा आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? गर्मी बढ़िया, ठंडा लूंगा। और सुनो ये फ्रिज ऊपर क्यों लगाया हुआ है? वो एसी है। एसी? एसी कौन लगाता ऊपर? चलो खैर, अच्छा मेरी बात सुनो, ये शूटिंग कब शुरू कर रहे हैं? और शूटिंग में भी थोड़ा टाइम है। टाइम है, चलो कोई बात नहीं, मैं आधा पौना घंटा हूँ इधर। नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है शूटिंग शुरू होने में अभी काफी वक्त है। काफी वक्त है? हाँ, और उसके पहले आपको ऑडिशन देना होगा। व्हाट? ऑडिशन क्यों? क्यों मतलब, अरे ऑडिशन जरूरी है, बिना ऑडिशन के किसी गलत बंदे को कास्ट कर दिया तो। ओए मैडम मेरे को बनाओ मत, मैं दूंगा, अगर ऑडिशन पे सिलेक्शन होती ना आधी इंडस्ट्री घर पे बैठी होती, बढ़िया ऑडिशन लेंगे। क्या मतलब ऑडिशन का? ऑडिशन ऑडिशन। देखो तुम्हें ऑडिशन देना होगा, ये है ऑडिशन की स्क्रिप्ट, डायलॉग है, कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा। फिर थक जाओगे यार ना, बैठ जाओ तुम भी। मैं ठीक हूँ, पढ़िए। डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक्सक्यूज मी ये तो सलमान भाई का, मेरे से क्यों बुला रहे हैं? उन्होंने ठीक नहीं बोला, मेरे से क्यों बुला रहे हैं? बकवास बंद करो और बोलो डायलॉग। दे ऑडिशन देखो मेरा कौन ले रहा है, जिसके मुंह में खुद डायलॉग फंस गया, ये मिल गया रियली, व्हाट दिस मीन। देखो तुम ऑडिशन दे रहे हो कि नहीं, नहीं देना तो साफ साफ बोलो, तुम्हारी जगह किसी और को ले लेंगे। ऐसे मत करना मैडम, देखो ऐसे मत करना, तुम्हें पाप लगेगा, माता रानी पाप लगाएगी तुम्हें। मेरे साथ पहले बड़ा बुरा हुआ है, रोहित शेट्टी ने मेरी जगह पहले भी कृष्णा को ले लिया, मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी जगह? हाँ, मेरे का पूरे सीजन में कहते रहे रोहित शेट्टी, कहते महमूद शाह के बाग अगर किसी का काम अच्छा लगा था तुम, अब इतना ही अच्छा लगता तो मेरे को लेते फिल्म में। अब इसके 2 मतलब हुए, या तो वो झूठ बोल रहे थे या उनको महमूद साहब भी अच्छे नहीं लगते। अब मैं देयर इज वेरी रॉन्ग। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनो, वैसे भी तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स के लिए पहले मुझे तुम्हारा मेजरमेंट लेना होगा, आ जाओ। मेजरमेंट किस लिए?
अरे भाई तुम्हारी सारी सीन सलमान खान के साथ है तो ऑब्वियसली तुम्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे ना। माय गॉड, इतनी कदर हो रही है। लीजिए लीजिए, हमारे पहले शो में तो कोई नहीं नाम लेता, वहाँ पे तो जो कुर्ते पड़े होते हैं उसके हिसाब से आर्टिस्ट फाइनल होते हैं। जैसे 40 का कुर्ता तो 40 वाला आर्टिस्ट लो। ऐसा हमारा बजट नहीं होता। पिछली बार मैंने कहा मेरे को सुपरमैन की ड्रेस चाहिए, मेरे को उन्होंने इतना बरमूडा दे दिया। मैंने कहा ये क्या कहता, घर पे वही पहनता वो। ऐसे होता है हमारा शो, बजट नहीं होता। मेजरमेंट ले लूं पहले? हाँ जी हाँ जी हाँ। ये ओहो, छाती सलमान भाई से 30 इंच कम, पेट सलमान भाई से 30 इंच ज्यादा, उफ गला, मैं तेरा गला दबा दूं, ये क्या मतलब है बार बार तेरा? क्या हर बार बार मैं सलमान भाई से कम, सलमान भाई से ज्यादा? व्हाट इज दिस रबिश? करना पड़ेगा। क्यों? सलमान भाई के कपड़े छोटे करके तुम्हें मिलेंगे। व्हाट इज दिस? छोटे भाई का बदला मेरे से क्यों ले रहे हो? अगर उनको सर्कस में स्टीश शाह के कपड़े छोटे करके देते, इसका मतलब आप मेरे को छोटे करके दोगे यहाँ पे? ये कोई बात नहीं होती है। अरे सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मेरा फिल्म में रोल क्या है? तुम्हें पता है, नॉलेज है कोई? हाँ, एक्चुअली मेरे पास स्क्रिप्ट है। हटो, ये देखो स्क्रिप्ट। ओके। अरे वाह, पहला ही डायलॉग मेरा, हनीमून सीन। क्या लिखा है? मैं बेड पे पूरे पूरे फूल लगा के 2 घंटे बाद बोलता हूँ साहब 200 रुपए। ये क्या बकवास डायलॉग है? ये क्या? What is this? तो मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना लिखा है। अच्छा रुको, मैं अगला सीन बताती हूँ तुम्हारा। ये देखो, इस सीन में तुम मेन हो, ओके? ओके। इस सीन में सलमान को गुंडों ने पकड़ के रखा है। ओके। और तुम्हें जाके सलमान को बचाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वो जिन लोगों ने सलमान खान को पकड़ा हुआ, मेरा क्या हाल करेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। सॉरी। ये क्या बकवास सीन दे रहे हो मेरे को? मेरे को कोई ढंग का सीन दो, देना है तो। और सुनो, सलमान भाई आए तो उनको बिल्कुल नहीं बताना कपिल आया था, ओके? क्यों? क्यों? हमें खामखा पूछेंगे कौन कपिल, टाइम वेस्ट होएगा। अच्छा मेरी बात लाओ, तुम्हें कुछ आइडिया है मेरी हीरोइन कौन है? हाँ, एक्चुअली मैंने सुना है शमोना नाम की कोई लड़की है। शमोना वो मेंढक जैसे नाक वाली? वो इतना मुंह खोल के ये करती वो? ओ माय गॉड, मेरे को फिल्म नहीं देनी थी, सोहेल भाई ने साफ मना कर दिया था, घुमा फिरा के की बात कर। देखो तुम बकवास बंद करो और बोलो पैसों का कुछ बातचीत की है कि नहीं? पैसों की डील तो पहले दिन ही हो गई थी, 12,000 दिए मैंने सोहेल भाई को। तुम पैसे देके ये फिल्म कर रहे हो? क्या करें, लड़के पैसे ही दे सकते हैं। तुम्हारी फोटो अच्छी नहीं ना आती इसलिए, पर कभी कभी एक्ट अच्छे हो जाए तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, बाकी वो भी आज पता नहीं कुछ मैंने देखा नहीं। कदम तेरे को किसने कहा नौकरों में? Who told you I'm नौकर? तेरे को इन कपड़ों से नौकर लगता मैं? जो लिख के दे दिया राइटर ने, नौकर आया है कपिल। तेरे से अच्छे कपड़े पहने मैंने, 150 का टॉप पहन के आगे जगह जगह से फाड़ के नौकर आ रहा है। और मैं तो ऐसे ही बताता नहीं किसी को, मैं एक्चुअली कपड़ों से पता तो चली गया होगा आपको, एक्चुअली आई एम नौकर। पता क्या है, मेरी किस्मत बड़ी खराब है, इतने काम मैंने किए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा धंधा नहीं चल रहा भाई। हर जगह किस्मत खराब। मैं यहाँ से संतरे लेके गया नागपुर बेचने, बिके ही नहीं। नागपुर वाले कहते यहाँ संतरे क्यों बेच रहा है, यहीं से तुमने बॉम्बे भेजे। ट्रैवलिंग के चक्कर में बासी हो गए। फिर मैंने कृष्णा को कम दाम पे बेचे। आपको तो पता है उसने तो खाने तो होते ही, एक दूसरे को मारने होते हैं। ऐसे मैंने बड़े बड़े काम किए, काम चल नहीं रहा। मैंने एक बार 3,000 रुपये की अंगूठी चुराई अंदर से, बाहर से मेरा 50,000 का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। किस्मत खराब, क्या कह सकता है आदमी। अब सोचो नौकर बनाऊँ, इससे ज़्यादा किस्मत क्या खराब होगी। किसके घर में नौकरी मांगने आया हूँ आप देखिए। कौन हो तुम? हाँ, घर के अंदर कैसे आ गए? तू कहे कि बुड्ढी तो जवानों से भी तेज भाग के आ रही। तू मेरे पास एक्चुअली मास्टर की है। मैंने कहा आपको क्या इतनी रात को तंग करना, मैं खोल के चुपचाप से अंदर आ गया, मेरे को काम की जरूरत है। ये कोई तरीका हुआ किसी के घर के अंदर घुसने का? हाँ, कोई अपने घर में कैसे भी बैठा हो सकता है, किसी भी कपड़ों में हो सकता है। मैडम हम भी बहू बेटी वाले ऐसे किसी घर में नहीं जाते, मैंने पहले खिड़की से झांक के देख लिया था सब ठीक ठाक है, फिर ही आया हूँ अंदर। ऐसी बात नहीं, मैं तो कल भी आया था, मैंने खिड़की से देखा आप चेंज कर रही थी, मैंने कहा चलो कल आऊंगा। थोड़ी मतलब होता है। What? जाओ तुम ऐसे, मेरे पास कोई काम वाम नहीं। Go from क्या मतलब? आपने पेपर में ऐड दी थी, मैं पेपर में ऐड पढ़ के आऊं, नहीं तो मेरे पेपर के पैसे निकालो, ये क्या मतलब हुआ? हाँ मैंने ऐड दी थी, लेकिन ये कोई वक्त है आने का, इडियट। अच्छा छोड़ो, अब आई गए हो तो कुछ देखते हैं। वैसे भी अब इस उम्र में और काम नहीं होता। इस उम्र में काम नहीं होता, जवानी में तो बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन लिया आपने, मैंने सारे देखे हैं आपके प्रोग्राम। थोड़ा आगे आ जाओ इधर।
बकवास बंद करो और ये बताओ तुम्हारे पास काम का एक्सपीरियंस है या नहीं। बड़ा काम किया मैंने, इधर छोड़े कर नीचे कर। मैंने दारा सिंह जी के काम किया है वहां पे भाई, बहुत अच्छे उनके घर में मैंने काम किया है। बिंदु की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा काम। क्यों? पता नहीं यूं उल्टा मुंह करके सोचा ना, दांत सारी तकिए की रुई खा जाता था, नाम मेरा लगता था। मैंने भी छोड़ दिया काम। और कौन कौन से काम आते हैं? और कौन कौन से काम आते? तू जब यहाँ पे काम मांगने आई थी, तेरे से हमने पूछा था कौन कौन से कैरेक्टर कर लेती तू काम मांगने। खुद को आता है कुछ नहीं, नौकर इनको टेंशन चाहिए। तुमको काम आता है या नहीं? बड़े काम आते हैं, मैं सिलाई कर लेता हूँ मैडम। ओ, तुम्हें सिलाई आती है? हाँ, इतने लंबे लंबे पोज़ ना लिया करो। जब हमारा बड़ा पुरखों का काम है, हमारे दादाजी बड़े अच्छे सिलाई करते थे, संतरे होते ना संतरे खाने वाले, हाँ। उसके कवर सिलते थे। संतरों के छिलके होते हैं? छिलके तो आजकल आने शुरू हुए हैं, पहले संतरे न्यूड आते थे तो संतरे के कवर बनाते थे हम लोग। आलू बुखारे का कवर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्किन फिट पहनता है ना वो। तो बड़े मजाक मत करो, तुम चाहते हो पहले दिन ही मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? मैडम ऐसे मत करना, मेरी बात सुनो, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं है जिसका वास्ता देके मैं आपको कहूं इधर लाइट में आओ। ऐसे जो डेली सोप करती हो, अकल नहीं तेरे को, लाइट से बाहर जा रही हो। मेरे को ऐसे मैं दुहाई भी नहीं दे सकता, मेरे को रख लो प्लीज। अच्छा ठीक है, नौकरी से नहीं निकालती बस। अच्छा लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं घर पे कपड़े नहीं पहनूंगा। What? नौकरों वाले कपड़े नहीं पहनूंगा मैं, डस्टी माइंड बुढ़िया। मैं बात करने की तमीज नहीं है? देखा अर्चना जी, आजकल की जनरेशन को अपने से बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है, भूल चुके वो अपनी संस्कृति। ए, कोई संस्कृति नहीं बोला, सारी संस्कृति आती मेरे को, गजा हाथी मयूर मोर, मेरे को तो गाना भी आता है। गाओ। हम तुम शयन कक्षम में गमशम चचा भी लो हम राजा मेरे को। ब्लडी नौकर, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नौकर किसको बोला तू? कमिंग सैटरडे वॉच कपिल शर्मा लाइव कॉमेडी एंड म्यूजिक 5 शेरिटन वे सिंगापुर। ये क्या बात हुई? बात कोई नहीं बता रहा हूँ, मेरा शो है सिंगापुर में, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ मैं। तेरे जैसे नहीं चांदी वाली में सेट लगा, बीबीएम कर करके मर जाती है। इंजॉय चांदी वाली। फालतू में सेंसिटिव बनती है ऐसी लड़कियां, कहीं कुत्ता देख लेना सड़क पे। ओ सुनो भूख लगी है, कुत्ता भी उठ के चल, मैं ठीक हूँ अपना काम कर जाके। देखो तुमने अपनी बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, नहीं देती मैं तुम्हें कोई नौकरी वोकरी, गेट आउट। तेरी नौकरी करनी भी नहीं मेरे को। मेरा दिमाग नहीं खराब, पूरा महीना सफाइयां करके 10,000-1,500 रुपया लूं, 2,000 चल निकाल, 40,000-50,000 रुपया जो तेरे पास है। क्या तू, ए तू पागल है क्या, रख इसको अंदर। ए हर बार पागल पागल बोल के बचे, मैं कान पे मारूंगा, मैं असली बदमाश हूँ मेरे को बताया, मैं घुमा के नाभि में चक्कर दूंगा, किडनी का 4 पीस कर दूंगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ, पैसे निकाल। मेरे पास नहीं, मेरे पास तो खुद ही 10 रुपए, कल से खाना भी नहीं खाया है। तूने कल से खाना नहीं खाया? नहीं। फिर तो तेरा बाथरूम साफ होगा है? मैं बड़ा हाइजीनिक बंदा, मैं ये तो खड़े भागना नहीं आया, मैं 2 मिनट में जा के आ रहा हूँ। भागना नहीं, इधर खड़े जाना कहीं। ये चाकू मार ही डालेगा मुझे, मेरे पास 10 है, आप 10 दे दो, मैं खुद ही भाग जाती हूँ। अच्छा। हेलो हेलो, एक मिनट बाद फोन बात कर रहा हूँ ना बाद में। हेलो यस, या चंपक प्रोडक्शन, या सलमान खान को साइन करना है? हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, उनका छोटा भाई हमारे शो में ही है, जूनियर जज। या जूनियर जज, ओके हाँ हो जाएगा। क्या बजट क्या है सलमान भाई को साइन करने का? 30 लाख, 30 लाख में साइन करना है, ठीक है हो जाएगा, लेकिन साइन ही होगा, शूटिंग पे नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। हेलो, या लोकेशन चाहिए खंडर टाइप। अच्छा भूतिया फिल्म बना रहे हो? हाँ भूतिया ही बोला बे भूतिये। हाँ हाँ हॉरर फिल्म ना, मेरे को पता है। हाँ तो चुड़ैल भी चाहिए? मारूंगी। हाँ बोलूँ? मारूंगी। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक तो मैं बड़े बड़े लोगों को फिल्में दिलाई, बड़े लोगों को चांस दिलाए मैंने, और राजपाल भाई कैसे आप, बड़े अच्छे एक्टर है, कमाल के। डांस कैसा करते हैं आप? मेरे को अभी भी लिटिल चैंप से फोन आया था, उनको जज चाहिए अपने शो के लिए। नहीं नहीं ऐसे यार, आप सवाल करते हैं। मैंने इतने इतने लोगों को काम दिलाया, आप यकीन नहीं करेंगे, आर्टिस्ट से लेके लोकेशन तक सब फाइनल करते हैं हम लोग। एक बार तो एक डायरेक्टर ने आधी रात को मेरे को बोला, करता मेरे को लास्ट चाहिए, मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया उसी टाइम, कोपचे में जाकर छुरा ठोक दिया उसके। एक तो मेरी तनख्वाह बच गई उसको देने की, डायरेक्टर का काम भी हो गया, मैंने पैसे भी नहीं लिए उस काम के। कई बार हमें इंडस्ट्री में रिलेशन के लिए काम करना पड़ता है। शेट्टी साहब मैं इतना फैन हूँ आपका, बॉर्डर फिल्म में जब आप बम लेके जा रहे थे ना टैंक की तरफ, मैंने बड़ी आवाज़ें दी, आपने ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ।
आप मेरी तरह ध्यान देते बच जाते, मरते नहीं बच जाते। खैर कस्टमर। एक्सक्यूज मी। हाँ क्या? यस एक्सक्यूज मी। थोड़ा एटीट्यूड। चंपक प्रोडक्शन वाले से मिलना है। यस मैं ही, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। ओह हाय, देखिए मेरा नाम शिमोना है और मैं खुद की अपनी फिल्म बना रही हूँ। अरे वाह, कौन डुबोरा पैसा? बजट क्या है आपकी फिल्म का? देखिए मैं अपने खुद के पैसे लगा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम पैसे में अच्छी सी फिल्म बन जाए, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है आप ज्यादा पैसे लगाएंगे तो फिल्म अच्छी बनेगी। राइट, ये तो बिल्कुल आपने अपने वाली एग्जांपल दे दी। जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे खर्च करो तो अच्छा ही काम हो। एक्सक्यूज मी, देखिए आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ओके देखिए, जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया। आप आगे तो आइए, दो मिनट लाइटिंग इधर लगाइए, इधर खड़े आप आराम से बताइए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वैसे मैंने बहुत कुछ सुना आपके बारे में कि आप फिल्म के हीरो हीरोइन से लेके लोकेशन तक सब कुछ अरेंज करवा देते हैं। या बिल्कुल सही सुना आपने। आपको पता है ये जो मुगले आजम आई थी उसमें मधु को मैंने साइन करवाया था। मधु? अब मधुबाला है? मधुबाला को जी। अरे वो कितनी पुरानी फिल्म है, आपको देख के लगता नहीं आपकी उम्र इतनी है। बात करवाऊं? रियली? हां करवाइए। दो नंबर। क्या नंबर दो का? तुमने किए तो नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब है? उस टाइम पे टेलीफोन होते थे कोई? उस टाइम पे एक ही फोन होता था, घोड़ा फोन। क्या? किसी को मैसेज देना होता था, आदमी घोड़े पे जा रहा था तो घोड़े पे मैसेज, उसको बोलते घोड़ा फोन। और अगर किसी को मिस कॉल देनी होती थी तो घोड़ा खाली भेज देते थे। वैसे आप बताइए आपकी फिल्म का बजट क्या है? मेरी फिल्म का बजट है 5 करोड़। 5 करोड़ लगा रही है फिल्म पे? आपका दिमाग खराब है? मैं आपको पैसे बचा के देता हूँ, आपकी फिल्म 2 करोड़ रुपए लगाऊंगा, 2 करोड़ में फिल्म तैयार, 3 करोड़ बच जाएगा आपका। कैसे? या मैं 3 करोड़ खा जाऊंगा, मतलब आपका 3 करोड़ बचा दूंगा, 2 करोड़ में आपकी फिल्म तैयार। हीरो किसको लेना आपको? सुनील शेट्टी। हीरो बोलो, सुपरस्टार नहीं? मतलब सुनील शेट्टी कितने पैसे लेता है? कितने? 8 करोड़ रुपया फिल्म का लेते हैं और आने जाने का बस का किराया अलग से। कोई और हीरो बताओ आप। विवेक ओबेरॉय। किसको? विवेक ओबेरॉय। विवेक ओबेरॉय, देखो विवेक ओबेरॉय क्या करना, मैं तो कहता 2000 रुपया और डालो, नया लड़का ले लो कोई। आप बताओ तुम्हारी नजर में है कोई नया लड़का? नया लड़का नहीं, मेरी नजर में एक एक्सपीरियंस बंदा है। कौन? राजपाल यादव को ले लो। राजपाल यादव, वेरी गुड एक्टर, लेकिन मैं दीवार का रीमेक बना रही हूँ तो मुझे बच्चन सर जैसा कोई हीरो चाहिए। देखो आप फर्स्ट हाफ में ले लो, इंटरवल में हॉर्न पिला देना। आप समझती क्यों नहीं? क्या? देखो मैं बोल रहा हूँ, एक्टर बड़ा खतरनाक है, जान डाल देगा फिल्म में, खतरनाक एक्टर है, मैं बोल रहा हूँ ले लो उसको। एक बात सुनो, ये अचानक तुम तारीफ कैसे करने लगे राजपाल? ओ, कुछ नहीं, वाली बात को कवर करना जा रहा, तेरी पूजा मत करो इधर। अच्छा कंटिन्यू। इधर डायरेक्टर किसको लेना आप, मेरे को ये बताओ। सोहेल खान। सोहेल खान को? यस yes. तो पता है कितना महंगा डायरेक्टर है वो। सोहेल खान लेना है? सोहेल खान। सोहेल खान वो डायरेक्टर है जिसने कपिल शर्मा को साइन कर लिया, पता है? जिसे आज तक यश चोपड़ा साइन नहीं कर पाए, इतना महंगा डायरेक्टर है वो। और पता है कपिल को फिल्म किसने दिलाई? मैंने खुद। अब तो उसको बेचारे को एक ही चिंता है कि बस फिल्म जल्दी से शुरू हो जाए, उसका दिल नहीं करता ये सब करने को, पता है? मजबूरी में कर रहा है वो। अच्छा एक बात तो बताओ, सोहेल खान एक फिल्म डायरेक्ट करने के कितने पैसे लेते हैं? सोहेल भाई तो 10 करोड़ रुपए लेते हैं फिल्म का, लेकिन आदमी बड़े भले हैं दिल के, 9.5 करोड़ रुपए तो उसी वक्त आपको वापस कर देंगे। हा? और कहते हैं कि 50 लाख भी धीरे धीरे करके चुका दूंगा। इंसान अच्छे हैं। आपने वैसे पहले कोई फिल्म डायरेक्ट की है? ऑफ कोर्स मैंने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी। शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, पूरी बनी नहीं होगी इसलिए बोल रही शॉर्ट की है। हेलो, तुमको पता है फिल्म डायरेक्ट करना कितना मुश्किल काम है? अब मेरे को पता है, मेरे को मत बताओ, मैं तो खुद पहले डायरेक्टर था, फिर मैंने फिल्में छोड़ दी करनी। मैंने पहले वो क्लैप नहीं करते ऐसे एक्शन, और मेरी उंगली आ गई थी उसमें। मैंने कहा छोड़ो, पर ऐसा काम करना है कि जिसमें जान का खतरा हो। मेरा सांप पकड़ने वाले काम ठीक है। तुम सांप पकड़ते थे? सांप? मैंने तो एक बार एनाकोंडा पकड़ लिया, कितना बड़ा एनाकोंडा, 2 दिन तक मैंने पकड़ रखा उसको। 2 दिन तक? क्यों? मेरे को हिलने नहीं दे रहा था, चारों तरफ घूम गया ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। एक सेकंड। हाँ जी। तो उससे तुम्हें निकला नहीं? उसने नहीं निकला मेरे को, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब अच्छा लगता है आप लेडीज के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। तो तुमने बचा अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को लेडीज बोल दिया? अरे नहीं, बड़ी पुरानी बात है, तब मैं लेडीज हुआ करता था। क्या इतना मत सोचा करो तुम, छोड़ो। तुम प्लीज मुझे अपने फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए शकीरा को बुक करना है। सिंगर शकीरा? शकीरा कौन? अरे शकीरा दैट वर्सेटाइल सिंगर, बड़ी घुंघराले से बाल है, स्टाइलिश है। अरे सोनू निगम है वो, शकीरा नहीं है प्यागल। अबे सोनू निगम को मैं भी जानती हूँ, शकीरा इंटरनेशनल सिंगर। अच्छा इंटरनेशनल है? हाँ। उसको हम नहीं ला सकते। क्यों? मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ, मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट बुक कर ही नहीं सकता। उसका वो मैं मैनेज कर लूंगी, तुम ए आर रहमान को ले आओ मेरे लिए।
ए रहमान को ले आऊंगा मैं, लेकिन मेरे को ना बोर्ड पे उसका नाम लिख के दे देना, एयरपोर्ट पे पहचानूंगा कैसे, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। पिछली बार मैं सिद्धू जी को लेने गया, दलेर पाजी को ले आया, तो मेरे को प्रॉब्लम बड़ी होती है। वैसे आपको शूटिंग कहाँ पे करनी है? स्विट्जरलैंड में शूटिंग करनी है। स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर पड़ेगा, बजट ज्यादा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ मनाली में सेट लगाते हैं, पीछे दो चार गोरे गोरे अंग्रेज खड़े कर देंगे, पूरा स्विट्जरलैंड लगेगा। अरे भाई, हर गोरा अंग्रेज नहीं होता, सिर्फ ब्रिटिशर्स अंग्रेज होते हैं। पता नहीं मैडम, हम इंडियन लोग हैं, हमें जो गोरा आदमी दिखता ना, हमें वही अंग्रेज लगता है। मैं तो 4 साल तक नील नितिन मुकेश को अंग्रेज समझता रहा। हाँ, मेरे को ऐसे लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा गौर नहीं करते। देखो, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, तुम बस इतना बता दो, तुम मुझे मेरी फिल्म बनाने में मेरी मदद करोगे या नहीं, साफ साफ बता दो। एक बात बताऊँ, देखो इधर आओ, तुम मेरी छोटी मशूक जैसी हो। क्या? ऐसे नहीं करते, फिल्म बनाने का चक्कर छोड़ो, इतना पैसा अब इन लोगों को देख लो, कितना पैसा लगाया फिल्म पे, अभी भी कर रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी, क्या फायदा, इतना पैसा लगाने के बाद ही पिक्चर अभी बाकी है, पूरी कर लेते फिर आते प्रमोशन करने के लिए। सो 20 जुलाई को देखना ना भूलें, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन जब पिक्चर खत्म होगी उठ के नहीं जाना, क्योंकि उसके तुरंत बाद एक और फिल्म आ रही है शेर खान, जिसमें 2 सुपरस्टार आमने सामने होंगे, सलमान खान और कपिल शर्मा। देखना यह है कि दर्शकों में भारी कौन पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं ही भारी पड़ूं, क्योंकि मेरा वजन 3 किलो ज्यादा है। शेर खान जिंदाबाद, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।